चंद एक बातें मैंने आज करनी बड़ी अहम इंग्लिश से मुतल्लिक। इसमें कंसिस्टेंट किस तरह से रहना है मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये भी सारे मैंने जब कंपैरिजन किया तो सारे के सारे गलत मैंने क्रॉस कर दिए गुस्से में आके। अच्छा जी, चंद एक बातें मैंने आज करनी बड़ी अहम इंग्लिश से मुतल्लिक, वो है कंसिस्टेंसी। सबसे पहले इंग्लिश के अंदर आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। इसमें कंसिस्टेंट किस तरह से रहना है मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुननी है आपने। हम ना एकेडमी में पास्ट पेपर को सॉल्व करते हैं, पास्ट पेपर को सॉल्व करते हैं और उसमें ना करेक्शंस जो होती है ना वो सारी सॉल्व कर रहे हैं 2000 से लेके 2020 तक या 21 तक। अच्छा, तो सर करेक्शन सॉल्व कराते थे, पहले मैं कर रहा था, पहले जुडिशियल पेपर के थे वो किए, फिर आप CSS के स्टार्ट करते हैं। लेकिन मसला ये था कि जो सर करवाते थे ना, मैं समझता था यार कि मुझे ना ये पहले से ही करके जाने चाहिए। मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको दिखाता भी हूँ। तब एक पेपर स्टार्ट किया, सारे के सारे गलत। जब वहाँ जाके जब सर ने करवाया तो मैंने देखा, जब मैंने मैच किया तो सारे गलत। अगले दिन करके गया फिर गलत, फिर अगले दिन करके गया फिर गलत। तो 3-4 दिन ऐसे सारे गलत रहे, लेकिन कल मैं जब करके गया तो एटलीस्ट 2 उसमें से सही थे। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रहना और हार ना मानना ये बहुत ज़रूरी है। कल मुझे इस तरह के ख्याल आ रहे थे यार कि क्या यार यही रूटीन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मैंने रूटीन अपनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है। पहले अगर मैं 8 घंटे स्टडी कर रहा था तो अब मैंने बढ़ा के 4 घंटे इंक्रीज कर दिए। सारा दिन मुझे और कोई काम नहीं होता सिवाय अब किताबों के सर मारने के। चीज़ें सीख रहा हूँ, चीज़ें मुश्किल भी हैं, फिलोसफी इतनी आसान नहीं है समझना, लेकिन समझ आ जाती है और थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ता है। और फिर इतने ज़्यादा फिलोसफर्स को पढ़ना, फिर सबकी दिस एंड ऑल डैट। आज है 1 मार्च, 1 मार्च आज, और ये टाइम हो चुका है। मैं तकरीबन कोई 2:45 उठ गया था, रात में जल्दी सो गया था 8:50 बजे। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जो मैंने आपसे बात की वो देखिए। अगर हम चलते हैं पीछे, ये सर ने करवाया ना तो मैं ये करके गया, इसमें से सारे गलत हुए। अच्छा जी, अगले दिन मैं फिर करके गया, ये सर ने करवाए और ये मैंने किसी वो रफ पेज पे किए थे वो भी सारे गलत हो गए। फिर ये मैंने किए दोबारा, ये भी किए, ये भी सारे गलत हैं। मैं जब करके गया ये मैं दोबारा किए, ये मैंने मतलब अगले दिन, तो ये भी सारे मैंने जब कंपैरिजन किया तो सारे के सारे गलत मैंने क्रॉस कर दिए गुस्से में आके। मैंने सोचा अब मैंने नहीं नहीं करना। फिर मैंने किए, चंद एक शायद एक था जो सही हुआ था बस, और अगले दिन मैं करके गया तो अब ये देखें, एक ये सही हुआ और एक ये वाला सही हुआ, 2 सही हो गए, ये गलत हैं। तो अब मैंने जो किए ना आज, ये मैंने सारे किए हैं ये वाले। लेकिन मुझे इसमें पूरा यकीन है कि ये तकरीबन कम से कम भी ना इसमें अगर ये 8 है ना तो इसमें मेरे 4 या 5 सही हैं। मुझे अब यकीन हो गया क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो रही है। इस तरह से बस कंसिस्टेंट रहना।